हम लोगों नहीं, मैं वहाँ नहीं रहा था। अच्छा, वो कोई तहसील की बात नहीं है, मैं अपना घर होता है जैसा भी हो, तो आदमी वो एक बड़ा डिस्कनेक्ट आपको पैदा करना पड़ता है कि एक वो बड़ा एक रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल होता है पीएम ऑफिस का, जहाँ हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, आज़ादी नहीं होती, और फिर आप घर पे आ जाते हैं तो वो फिर एक दूसरा वहाँ माहौल होता है, तो वो ज़रा बेहतर रहता है आपके लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, पहली दफ़ा आपको कैसे पता चला, अचानक किसने आपको बताया कि जी आप बस प्राइम मिनिस्टर के? नहीं, कुछ अखबारों में खबरें आ रही थी और टीवी पर भी आ रहा था, लेकिन जो मीटिंग हुई 29 तारीख को जिसमें पार्टी की सारी लीडरशिप थी और मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। अच्छा, उससे पहले मुझे कोई मशवरा नहीं हुआ, मुझे बताया नहीं किसी ने। तो आपके तासुरात एक ही दम बंदे को पता चलता है, जी मैं, मुझे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक लंबी कहानी है, मुझसे ना पूछें, आप जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पूछ लें। नहीं, वो मुझे पता है, मैं रिकॉर्ड का हिस्सा उससे बनाना चाहता हूँ। रिकॉर्ड भी ना पूछे, मैंने पूछे। बहरहाल मैंने कहा जी मुझसे मशवरा नहीं है, तो पहले आप जरा इस सारे मामले को देख लें कि हम कर क्या रहे हैं। मेरा मियां नवाज़ी साहब की हमेशा बड़ी शफकत रही है, उनकी बड़ी मोहब्बत है। मैं एक 35 साल का रिश्ता है जी, तो वो किसी ओहदे या किसी उससे उसका वास्ता नहीं है। उन्होंने ये फैसला किया, लेकिन मुझे उन्होंने बताया नहीं पहले। अच्छा, तो बहरहाल वो आप किसी और से पूछ लें। लेकिन क्या आपने कभी जिंदगी में कोई ख्वाहिश थी या वो था इम्कान आपको नजर आ रहा था कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कभी ओहदे किसी वजह से ओहदे की ख्वाहिश हुई नहीं, ना वजीर बनने की ख्वाहिश थी, ना बस अपना काम था, लोगों की नुमाइंदगी करते थे, जो कर सकें हल्के की खिदमत लोगों की, जो पार्लियामेंट में कर सकें। मैं MNA बना 1988 में जी, और मैं वजीर बना 2013 में, यानी कितना, 25 साल, 25 साल के बाद। अच्छा, बीच में एक 6 हफ्ते का पीरियड आया था जो कोलिशन गवर्नमेंट में हम शामिल हुए थे 2008 में, तो वो भी मतलब मेरी ख्वाहिश के बगैर मैंने बिल्कुल ना कर दी थी, लेकिन फिर सबने इसरार किया तो मैंने, क्योंकि मैं कोलिशन गवर्नमेंट के हक में नहीं था। अच्छा, तो बहरहाल 6 हफ्ते वो थे। जिस तरह आप इस दफा वजीर नहीं बने, उस वक्त भी आप, इस वक्त भी इक्तदार में आने के मूड में नहीं, इस दफा वजूहत और थी, वो मैं समझता था कि वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चल सकती, एक गैर फितरी सी हुकूमत थी, तो बहरहाल वो जब 6 हफ्ते बाद ख़त्म हुई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि